आयोजन सचिव के सचिव केपी सिंघा वकील साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हम लोगों का उद्देश्य बहुत यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करना नहीं था, इसलिए भीड़ कम है तो हम लोगों को उसमें हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि कम से कम लोग कोविड में हों यहाँ पे। तो कोरोना के चलते इस वर्ष हम लोग कुछ कर नहीं पाए, फिर भी हम लोगों ने ऑनलाइन जो भी संभव सका कार्यक्रम किए, जिसमें हमारे गुरुजी के नाम से परिचित अरुण सर जो हैं, उन्होंने एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता कराई थी, जिसके बारे में सविस्तार वो बताएंगे। फिर भी मैं जितने उसमें प्रतिभागी थे, सभी विजेताओं के साथ साथ जो लोग भी भाग लिए, उन सबको भी मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा, और जो लोग भी गुरु जी को सहयोग दिए थे वो लोग भी बधाई के पात्र हैं। नीतू जी ने एक संस्कार नाम की प्रतियोगिता कई महिलाओं के साथ कराई थी, जिसमें नृत्य था, गायन था, वादन था, अन्य कई चीज़ों का था, जो भी काफ़ी सफल रहा था, और जिसका रिजल्ट का डिक्लेरेशन जो है वो ऑनलाइन किया गया था, जिसमें वरिष्ठ IAS श्रीमती अनुराधामयी जी ने उसका रिजल्ट का परिणाम भी घोषित किए थे, और उन्होंने काफ़ी सराहना भी किया था इस प्रोग्राम की। तो मैं नीतू जी और उनकी टीम के सभी सदस्यों को ये बधाई देना चाहूँगा। इसी प्रकार दिवाली के अवसर पर मंजू जी और नीलम जी के नेतृत्व में महिलाओं ने दिवाली पे ऑनलाइन कॉम्पिटिशन किया था, जिसमें जो है ये रंगोली का था, सजावट का था और बंदरवाल इत्यादि का था, और वो भी काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था और काफ़ी महिलाओं ने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो भाग लेने वाले जितने लोग हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं, और मंजू जी, नीलम जी और उनकी टीम उन्हें एक बार बधाई की बात कर रहे हैं। हमारा संस्था हमारी जो है वो प्रयास चाह रही थी, तो प्रयास था हमारा कि हम लोग जो है ग्रामीण अंचल में अपना विस्तार कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के चक्कर में हम लोग कुछ नहीं कर पाए। हमारा उद्देश्य था कि हम लोग गाँव में और ब्लॉक स्तर पर मीटिंग कर रहे हैं, जिससे हमारी सदस्य संख्या बढ़े, लेकिन उसमें हम लोग सफल नहीं हो पाए। फिर भी हम लोग आगे अपना प्रयास करेंगे कि कुछ हो जाए। जो भी हम लोग ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं उसमें शैलेंद्र जी का तो सहयोग रहता ही है, लेकिन उनकी टीम के तीन ऐसे स्तंभ हैं जो अगर वो लोग सहायता में प्रदान करें तो संभवतः हमारा कोई भी कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं उसमें गोविंद जी, दीपक पांडे जी और सहभाग जी का भी, सहभाग जी का बहुत आभारी हूँ कि वो लोग जब भी कभी भी हम लोग फोन करते हैं, मेरा खास तौर से गोविंद जी से बहुत संपर्क करना पड़ता है, तो वो कभी भी रात में या कभी भी संपर्क करो तो बड़े ही सहज स्वभाव में हर बात को स्वीकार कर लेते हैं। तो एक बार पुनः जलेंद्र जी और उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जिससे जिले में हम लोग का ऑनलाइन कोई भी कार्यक्रम अधूरा रह जाता है। उद्यमिता विकास पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो उम्मीद है पंकज जी आ गए होंगे, मैं देख तो नहीं पाया, लेकिन पंकज जी और बहुत से लोग हम आएंगे और वो अपने विचार रखेंगे। हमारे बीच में कुछ चिकित्सक बंधु भी आए हुए हैं, डॉक्टर PK बंदोड़ मैं पहचान रहा हूँ, तो मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आप लोग किसी भी तरह अपना समय निकाल करके आए हैं। और हमारे बीच में राजर्स की उपाधि प्राप्त महेश जी हैं, उन्होंने कुछ जो शादियाँ कराते हैं समाज में, तो उनमें से कुछ विशेष दंपतियों को यहाँ पर आमंत्रित किया है, और उन लोगों के भी एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करेंगे, और इसके राजर्ष जी भी अपना वो जो है महर्षि महेश जी अपने विचार प्रकट करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों का अधिक समय में लेते हुए, एक हमारे बीच में एक युवा उद्यमी हैं जो बहुत ही सफल रहे हैं और हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत भी होंगे, जो अहमदाबाद से, हमारा सौभाग्य है कि वो यहाँ पे मौजूद है, अहमदाबाद से आए हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति का वैसे नाम लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं समझता हूँ आप लोगों ने अपना गैस कर लिया होगा। ठीक ही गैस किया है, वो है राजेश जी, जो कि सपरिवार यहाँ पर आए हुए हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए, तो मैं उनको अध्यक्षता के लिए यहाँ पे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।
और उनका छोटा सा परिचय भी दे दूंगा मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रेरणादायक रहेगा। राजेश जी इस समय जो अपनी कंपनी चला रहे हैं उसका टर्नओवर जो है 800 करोड़ से भी ज्यादा का है। एक बार पुनः तालियां बजा दीजिए, हमारी संस्था के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। राजेश जी ने आरंभिक सेवा जो है अपनी शुरू की थी तो वो टेक्नीशियन के पद से शुरू की थी। अगर कहीं गलत हो जाऊं तो आप रोक दीजिएगा, हो सकता है कि कहीं कम्युनिकेशन में जो हमें हो, तो उसमें चूंकि इनका मन नहीं लगा, इनके मन में तो कुछ और था, तो इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो सरकारी सेवाओं में लोग अपनी परीक्षाएं देते हैं तो उन्होंने एक साथ 4 जगहों पे सिलेक्शन हो गया था और इन्होंने एयरफोर्स का चयन किया था। तो एयरफोर्स में क्लास 1 की ऑफिसर पे नियुक्ति हुई थी और उसको ज्वाइन किया, लेकिन वहां पे भी मन नहीं लगा इनका, तो इन्होंने उसको भी छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने कैट जो एक देश की बहुत प्रतिष्ठित संस्था है जिसमें जो IIMs वगैरह आते हैं और GMAT, उन दोनों में भी क्वालिफाई किया था इन्होंने। तो अंततः इन्होंने जो है IIM अहमदाबाद से बिजनेस मैनेजमेंट में अपना कोर्स किया था। उसके बाद इनको एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई थी, लेकिन चूंकि इनके मन में तो कुछ और ही था तो उसको भी इन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद एक अपनी कंपनी शुरू की है जिसका टर्नओवर आप लोगों को बताया ही है। और ये जो है अपने समाज के लोगों को तो उसमें इन्वॉल्व कर ही रहे हैं और अपने परिचित जो भी है उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो मैं एक बार इनको बधाई देता हूँ। और इतना ही नहीं है, इनका शौक जो है क्रिकेट में भी है, नॉवेल्स भी अच्छी अच्छी लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कौन बनेगा करोड़पति, जिसका जो मंच संचालन हमारे अमिताभ बच्चन जी करते हैं उसमें भी एक बार जा चुके हैं और 3,12,00,000 रुपए जीते थे, फिर भी इनका मन नहीं माना वहां पे, ये प्रयास करते रहे और बिहार द्वारा आयोजित के बनी करोड़पति उसमें 1 करोड़ रुपए आपने जीता था। तो इनकी इनकी श्रीमती जी भी केवी से, यही नहीं देखे इनके परिवार के बारे में, इनकी श्रीमती जी खड़ी हो जाएंगे, आप लोग तालियां बजाकर स्वागत करिएगा। ये भी कौन बनेगा करोड़पति तक पहुंच चुकी है। हम लोग जो है संभवतः वो फास्टेस्ट फिंगर तक नहीं पहुंच पाते हैं। एक बार मैं भी गया था मल्टी मैरिज हॉल में, तो एक ही दो क्वेश्चन पूछा गया तो एक ही दो लोग आ पाए, तो वहां तक भी नहीं पहुंच पाते। और आपने जो है 3,20,000 रुपए भी कम से कम जीते वहां पे। और इसी तरह से आपके दो बच्चे हैं वो भी बिल्कुल अनमोल रत्न हैं। जो भी गुजरात में कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें टॉप 5 में सब रहते हैं। तो ये पूरा परिवार जो है बधाई के पात्र हैं। गाय बादल में आपका बहुत ही वो है, हो सकता है अपना कुछ पेश भी करेंगे आप। और इसी के साथ मैं आप सभी का पुनः एक बार आभार करूंगा, क्योंकि अभी बहुत लंबी लाइन है हमारे वक्ताओं की और बीच बीच में नीतू जी अपने कुछ आप लोगों के मनोरंजन के लिए भी कुछ देंगी और भी हमें चिकित्सक बंधु से भी सबसे सुनना है। तो एक बार पुनः मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा इंदु जी का, जिनके सौजन्य से हम लोग यहाँ पे आराम से रहते हैं, हम अपना कार्यक्रम करते हैं। तो एक बार आप लोग उनके लिए जरूर तालियां बजा देंगे। और उसके बाद जो है नीतू जी का तो आभार प्रकट करना ही है, क्योंकि लास्ट तक खड़ी रहना है, उन्हें बैठने का भी समय नहीं मिलेगा, वो खड़े होकर ही आप लोगों का सबका मनोरंजन करेंगी। और अन्य जो लोग भी छूट गए हैं और ये उपस्थित हैं, सभी लोग चाहे जो हमारे भोजन व्यवस्था में लगे हुए हैं या अन्य लोग, उन सबका भी आभारी हूँ कि वो सभी के सहयोग से ही हमारा कार्यक्रम होता है। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं राजेश जी और सबको सपरिवार एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा, कम से कम एक बार आ जाइए आप लोग। सबसे पहले सर का स्वागत, सर की फैमिली का स्वागत किया जाए। यूवी सिंह सर के हाथों से राजेश जी उनके परिवार को ट्रस्ट का स्मृति चिन्ह देते हुए।
ये अपने स्टडी रूम में लगाइएगा और आप अपने ड्राइंग रूम में। थैंक यू सर।